मोहाली जिले के डेराबसी दे विच आज दे दिन ही यानी कि एक हफ्ता पहला अचानक 7 बच्चे गायब हो जाते हैं। हालांकि मिसिंग की रिपोर्ट होती है, पुलिस लगातार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूजी स्टेट की पुलिस के नाल कोऑर्डिनेशन कर रही थी, क्योंकि अचानक 7 बच्चों का गायब हो जाना कितने ना कितने एक बड़ी गल सी। लगातार पुलिस इहदे विच काम कर रही थी, कोऑर्डिनेशन किया गया, इश्तेहार दिए गए, तो लगातार न्यूज़ 18 भी इस पूरी खबर से नजर बनाया होया, क्योंकि कई चीजा ने, क्योंकि बच्चे जिहड़े 14 साल, 15 साल, 16 साल सीगे। हालांकि 3 दिन पहला 2 बच्चों की दिल्ली तो रिकवरी कर ली गई सी और बिल्कुल ठीक ठाक सी, और 5 बच्चे अजे भी थोड़ा जा क्ल्यू मिले कि मुंबई चे, हूँ 5 बच्चे भी इतने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच चुके हैं, पुलिस उन्होंने लेके आई है पंजाब पुलिस। आईपीएस ऑफिसर वैभव चौधरी साढ़े नाल ने। वैभव सर, क्योंकि 7 बच्चों का मामला सीगा, सारे नाबालिग सी, और कितने ना कितने पुलिस का एक बहुत बड़ा एफर्ट इहदे विच रहा है, काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी की गई पुलिस वालों, हूं तक की इन्वैसटीगेशन च, हूं तक की जी पुछगिछ हुई है, गलबात हुई है बच्चों के नाल, किस तरह की चीज़ें निकल कर सामने? कि जी ये 8 तारीख को सानू जो है इत्तला मिली सी कि जी 7 बच्चे जो हैं ये बिना घर पे दसे ये कित्थे चले गए, तो मैटर की गंभीरता देखते हुए असं तुरंत एक्शन में आए, तो इन्हां दे इश्तेहार भी निकाले, तो वी कोऑर्डिनेटेड विद द रेलवे पुलिस। फिर इन्हां दी जो है प्राइमरी जो इंक्वायरी करके सानू पता चला है, ये पता चला है कि ये दे वेंट टूवर्ड्स बॉम्बे। जब बॉम्बे का पता चला तो फिर वी कोऑर्डिनेटेड विद द बॉम्बे पुलिस। बीच में जो 2 बच्चे मिले हैं उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो साडा टेक्निकल सेल जो है उससे भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकाल के इन्होंने ट्रेस आउट किया है, बॉम्बे पुलिस से भी हेल्प ली है, एंड एक टीम भेज के फिर बॉम्बे से उधर से इन्होंने वापस बुलाया गया। सर, इनिशियली गलबात हुई है तो कुछ पता लग गया है, किसी के कहने पर गई सी या फिर खुद मौज मस्ती करने वास्ते गई सी? जो प्राइमरली पूछ रहे हैं इनसे ये यही दस रहे हैं जी कि इन्हों का मन हुआ घूमने का, ये घूमन लिए ही बॉम्बे की तरफ गए थे, इन्हों का खुद का ही फैसला सीगा, कोई किडनैपिंग वाला एंगल है नहीं है, ते ये अपने आप ही गए हैं। बिल्कुल ठीक ठाक ने बच्चे सर? बिल्कुल जी, प्राइमरली ठीक ठाक ही लग रहे हैं, बाकी इन्हों का देख लेने, अभी थोड़ा काउंसलिंग भी की है मैंने, ते थोड़ी पूछगिछ कर रहे हैं फिर इन्होंने हैंड ओवर करेंगे। पंजाब पुलिस दे तुहाडी डेराबसी पुलिस का किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा, जिदा तुसीं कहा कि दूजी स्टेट दे नाल भी कोऑर्डिनेशन किया गया, मुंबई पुलिस दे नाल भी कोऑर्डिनेशन तुहाडा रहा? बिल्कुल जी, बहुत ही मैं कहूंगा शाबाशी बंदी है, साडे SHO साहब है मनदीप, ते साडी जो टीम है IO केवल है, ते अपने रंजीत सिंह है, इन्होंने बहुत वधिया काम किया, ये टीम जो गई है इन्होंने रिकवर किए बच्चे सारे, सकुशल घर आए हैं, ते जो टीम है बॉम्बे की भी मैं कहूंगा, बॉम्बे जो पुलिस है उन्होंने भी काफी मदद की है इन्होंने रिकवर करने में। तो बिल्कुल लगातार कोऑर्डिनेशन किया गया और बिल्कुल बच्चे जेडे हैगे ओदे विच है। आप गए थे साथ में किसी के कहने पे? अपना मन, अपने मन गया था। पैसे थे आपके पास? यस सर। कितने? 3,000 थे टोटल। टोटल 3,000 थे, और बच्चे कितने थे? 7। तो 3,000 में हो गया सबका? यस सर। कितने थे आपके पास पैसे? 3,000 थे सबके पास। सबके पास ही 3,000 थे? हाँ जी, सबके मिला के। सबके मिला के। तो वहाँ पे किसी के घर रहे आप या कहाँ पर रहे? स्टेशन पर रहे सर। स्टेशन पर ही थे। खाना पीना कैसे था? खाने पीना वही पैसे से, थोड़े बहुत। टीटी ने भी पकड़ लिया था वहाँ पे? हाँ जी। उन्होंने भी फाइन वगैरह किया था? हाँ जी, फाइन। कितना फाइन दिया? 1800। तो बचा कितना फिर? 1200 में क्या किया फिर? एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता क्या खाया पिया, कैसे रहे? एक हफ्ता 1200 में गुजर गया, कह सकते गुजारा किया। किसी कहने पर गए थे घूमने फिरने, वहाँ पर कोई बुलाया था किसी ने ऐसा? नहीं, अपनी मर्जी से गए थे हम। अपनी मर्जी से गए। तो 2 बच्चे दिल्ली वापस आ गए थे, वो कह रहे थे कि हमें मार पीट रहा था सूरज? नहीं सर, ये बात नहीं है, हम कोई मार पीट भी नहीं कर रहे थे, बस वो हमें छोड़ के बीच में आज चले गए थे। ठीक है। हालांकि पुलिस वालों हुण लगातार इन्हां दी काउंसलिंग भी की जा रही है, जिदा सर ने भी दस्या, और हालांकि पुलिस का एक बड़ा एफर्ट रहा है कि हुण 7 बच्चे जिहड़े अज दे दिन ही गायब हुए सी, ते अज दे दिन ही अपने घर पहुंच चुके ने, लेकिन काउंसलिंग बहुत जरूरी है इस चीजां च, क्योंकि जिदा इन्होंने कहा मौज मस्ती करने वास्ते गया, लेकिन पिछे पुलिस का तो एफर्ट रहे परिवार का बहुत ज्यादा जिहड़ा हैगा कह सकते हैं कि एक नुकसान हुंदा, क्योंकि बच्चे छोटे ने, कित्थे गए, किहदे कहने ते गए, अचानक गायब हो गए, CCTV फुटेज खंगाली जा रही, कई चीजां नूं लैके, लेकिन हुण फाइनली इत्थे पहुंच चुके ने, ते हुण बिल्कुल ठीक ठाक ने, ते पुलिस वल्लों भी लगातार इन्हां दी काउंसलिंग जिहड़ी है ओह कीती जा रही है। डेराबसी तो कैमरामैन अमनदीप सिंह नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।